तो दोस्तों वन प्लस एट एंड एट प्रो की लॉन्चिंग के बाद वन प्लस के ढेरों नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च होने को बिल्कुल तैयार हैं, जिनमें से कुछ के नाम हैं वन प्लस एटी, एटी प्रो, वन प्लस नॉर्ड के दो नए मॉडल्स एंड इन चारों के साथ एक और मिस्टीरियस फोन भी है जिसका सिर्फ अभी तक कोड नेम सामने आया है एंड ये कोड नेम वाला फोन वन प्लस क्लोवर या फिर वन प्लस बिली हो सकता है। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको वन प्लस के अपकमिंग फ्लैगशिप मोबाइल फोन वन प्लस 8T के बारे में सब कुछ बताऊंगा एंड इसी के साथ वन प्लस के बाकी सभी आने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। नाउ विदाउट फर्दर एडियो लेट्स गेट स्टार्टेड। कल वन प्लस 8T को BIS की वेबसाइट पे देखा गया एंड उसी के साथ फोन की 360 डिग्री ऑफिशियल लुक भी रिवील कर दी गई। BIS की लिस्टिंग से हमें ये पता चलता है कि वन प्लस 8T की लॉन्चिंग इंडिया में बहुत ही जल्दी की जाएगी। लॉन्चिंग को थोड़ा और डिटेल में देखें तो गाइस वन प्लस 7T लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2019 में, तो अगर कंपनी सेम ट्रेडिशन को फॉलो करती है तो वन प्लस 8T की लॉन्चिंग हमें अगले महीने देखने को जरूर मिलेगी। लेकिन कुछ दिन पहले के लीक्स के अकॉर्डिंग ये चीज फाइनल हो चुकी थी कि वन प्लस 8T तो लॉन्च होगा लेकिन वन प्लस 8T प्रो इस साल लॉन्च नहीं किया जाएगा। ये चीज गलत हो सकती है बिकॉज इवान ब्लास के लेटेस्ट ट्वीट के अकॉर्डिंग कंपनी ने वन प्लस 8T प्रो की गाइड अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड की थी अभी रिसेंटली, तो वन प्लस 8T प्रो की लॉन्चिंग भी हमें वन प्लस 8T के साथ देखने को मिल सकती है। एंड वन प्लस एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन पे भी काम कर रहा है जो कि वन प्लस क्लोवर है एंड ये फिफ्थ कोड नेम वाला डिवाइस वन प्लस क्लोवर हो सकता है। वन प्लस 8T के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो फोन 6.55 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले के साथ लॉन्च किया जाएगा, 2400x1080 पिक्सल्स ऑफ रेजोल्यूशन एंड फोन में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा। फोन का डिजाइन तो ऑफिशियल रेंडर्स में कंफर्म हो ही चुका है जिसमें सिर्फ बैक कैमरास के अलावा कोई भी मेजर चेंज नहीं किया गया है। सेम वन प्लस 8 जैसा फ्रंट डिजाइन एंड डिस्प्ले के लेफ्ट कॉर्नर में होगा इसका फ्रंट सेल्फी कैमरा एंड डिवाइस को स्नैपड्रैगन 865 चिपसेट के साथ लॉन्च किया जाएगा एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड ऑक्सीजन ओएस 11 के साथ एंड फोन में कई सारे रैम एंड स्टोरेज वेरिएंट्स भी देखने को जरूर मिलेंगे जिनमें मैक्सिमम रैम 12GB एंड मैक्सिमम स्टोरेज 256GB तक के ऑप्शंस दिए जाएंगे। कैमरास की बात करें तो गाइस वन प्लस 8T की बैक साइड में क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा एंड ये कैमरा सेटअप रेक्टेंगुलर मॉड्यूल में है ठीक वैसे ही जैसा गैलेक्सी M51 का है। सेटअप बिल्कुल सेम है, सिर्फ कैमरास की प्लेसिंग चेंज की गई है जिसमें से 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 16 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल मैक्रो एंड 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर दिया गया है एंड फ्रंट कैमरा फोन में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर दिया जाएगा एंड दोनों ही फ्लैगशिप फोन्स वन प्लस 8T एंड 8T प्रो 65 वॉट्स की वॉर्प चार्ज टेक्नोलॉजी के साथ आएंगे। एंड दोस्तों वन प्लस नॉर्ड के दो नए डिवाइसेस का लीक भी कंफर्म हो चुका है जिसमें एक का कोड नेम है वन प्लस नॉर्ड 100 एंड दूसरे का वन प्लस नॉर्ड N105G एंड इन दोनों वन प्लस नॉर्ड के मॉडल्स में से कम एक फोन स्नैपड्रैगन 690 प्रोसेसर के साथ आएगा जो 5G को सपोर्ट करेगा एंड 6GB तक के रैम ऑप्शंस दिए जाएंगे। ऑल्सो वन प्लस के बजट स्मार्टफोन की बात करें तो वन प्लस क्लोवर का प्राइस $200 यानी के अराउंड 14,000 रुपीज होगा एंड फोन में 6.5 इंच की डिस्प्ले मिलेगी ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ एंड एक बहुत ही बड़ी बैटरी 6,000 mAh की। लेकिन इसमें एक छोटा प्रोसेसर दिया जाएगा जो कि स्नैपड्रैगन 460 हो सकता है 4GB की रैम के साथ। तो दोस्तों ये डिवाइसेस हमें अक्टूबर में देखने को मिल सकते हैं जैसा कि OnePlus कंपनी अक्टूबर में एक प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट प्लान कर रही है। ऑल्सो OnePlus 8 के प्राइसेस अभी कुछ ही दिन पहले ड्रॉप हो चुके हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि OnePlus 8T मार्केट में बहुत ही जल्दी आएगा। तो आपको OnePlus के इन सभी डिवाइसेज में से कौन सा डिवाइस सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं एंड ऑल्सो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, टेक केयर एंड पीस आउट।